कोलेस्ट्रोल तो यहाँ सुनिभा सिंह का भी बढ़ा हुआ था, उसने नॉर्मलाइज कर लिया। गोधन अर्क पीने से, लिपिडोम से, लौकी से, गर्म पानी पीने से, ऐसे बहुत सारे उपाय हम बताते हैं, लौकी, घनवट्टी, इनसे ही, दालचीनी, अर्जुन की छाल पीने से कोलेस्ट्रोल कंट्रोल हो जाता है। और रही बात थायराइड की, तो कपाल भाती के साथ उज्जाई और कर ले, ऐसे गले को टाइट करके साउंड के साथ ब्रेथ को इनहेल करना, होल्ड करके 10-20 सेकंड रखना, फिर दाएं नाक को बंद करके बाएं से छोड़ देना, फिर सिंहासन करना है, फिर मत्स्यासन करना, ऐसे ही ऐसे ही हो जाता है जो कर सके। सर्वांग आसन, हलासन कर लेना, थायरोग्रिड ले लेना, और ये जो पॉइंट है ना, ये बड़ा ज़बरदस्त है, ये पॉइंट दबाना, थायरोग्रिड धनिया के पानी के साथ ले लेना। जिनका थोड़ा ही बड़ा हुआ है, 25-50 mg ले रहे हैं थायरोक्शन, तो पहले दिन से दवाई बंद कर देते हैं। जिनको 100-150 mg लेनी पड़ रही है, तो 25-25 mg करके 3-4 सप्ताह में सारी दवाइयाँ बंद हो जाती हैं, थायरोग्रिड और धनिया के पानी से और योगाभ्यास से और एक्यूप्रेशर से थायराइड क्योर हो जाता है। नहीं तो थायराइड से अंडरवेट, ओवरवेट, हाइपोथायराइड, हाइपरथायराइड सबसे मुक्ति मिलेगी मेरे भाई। अगला प्रश्न आप ले लीजिए स्वामी जी। अगला प्रश्न वीना का है, हर्निया की दिक्कत है उन्हें और बीपी भी उनका हाई रहता है, क्या उपाय करें? तो हर्निया के लिए एक तो ये योग मुद्रा आसन करें वीना जी, आगे झुकने वाले करें, पीछे झुकने वाले ना करें। जैसे कमर दर्द में आगे झुकने के लिए मना किया था, ऐसे हर्निया में पीछे झुकने का कोई अभ्यास नहीं किया जाता। मंडूकासन, योग मुद्रा आसन, ऐसे यही दो अभ्यास ज़्यादा करें, पवन मुक्त आसन करें, लिवोग्रिड खाली पेट, लिवामृत खाने के बाद, और सर्वकल्प कायाकल्प का काढ़ा अमरूद और अनार के पत्ते का रस डाल करके पी ले, और इससे तो हर्निया ठीक हो जाएगा। और हाइपरटेंशन के लिए लौकी का जूस, मुक्तावटी या बीपी ग्रिट एक ही उसे दे ले, उसी से ठीक हो जाता है। अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत के साथ शीतली शीतकारी जी बाहर निकाल के सांस लेना, इससे बीपी नॉर्मल हो जाता है। वैसे पॉइंट दबाने से भी बीपी नॉर्मल हो जाता है, ये बीपी का पॉइंट है, रिंग फिंगर के टॉप पर, और ये पिंडली हरने का पॉइंट है, ये दोनों पैरों की पिंडली दबा लेते हैं। अगला प्रश्न आप ले लीजिए जी स्वामी जी। अगला सवाल मोनिका का है, बहुत साल से इन्हें माइग्रेन की परेशानी है और माइग्रेन के साथ साथ पूरे शरीर में दर्द रहता है, तो क्या उपाय करें कि शरीर का दर्द और बहुत साल पुराना माइग्रेन जो सता रहा है वो दूर हो जाए? पूरे शरीर का दर्द तो अभी थोड़ी देर में, आज हम योग शास्त्र के बाद पाक शास्त्र में दो चीज़ें बताने वाले हैं, एलोवेरा और गिलोय। एलोवेरा गिलोय इसका तो जूस बना करके पूरा शरीर का दर्द गायब, दूध में अश्वगंधा शतावर थोड़ा डाल करके पी ले, पूरे शरीर का दर्द गायब हो जाता है। फाइब्रोमाइल्जिया हो, पूरे शरीर में दर्द हो, पूरे जोड़ों में दर्द हो, सिर में दर्द के लिए खाली पेट मेमोरी ग्रिड खाने के बाद मेधावटी, और मेधावटी यदि अश्वगंधारिष्ट सारस्वतारिष्ट के साथ ले लेते तो फिर तो बात ही क्या है। और बादाम रोगन नाक में डाल लें या अनुलोम विलोम जरूर करें। और जलेबी तो जो शुरू में याद दिलाई थी हमारे हुसैन भाई ने, कल भी हमने जलेबी खिलाई थी, वो औषधि भी है और वो हमने उत्सव भी मनाया, 3 साल में करोड़ों लोगों के हमने रोग मिटाए हैं, उनको रोग मुक्त, नशा मुक्त किया, दुख मुक्त किया है, उनके जीवन को उत्सव बनाया, देह को देह शिवालय हमने बनाया है, ये माइग्रेन पेन का इलाज है। स्वामी जी बबीता का सवाल है, वो कह रही कि स्पाइन उनकी दबी हुई है, अब स्पाइन की किसी नस का वो जिक्र कर रही है, स्पाइन दबी हुई इसका क्या मतलब आप बताएं और इसका उपाय क्या है? वर्टिब्राज भी दब जाते हैं, नस भी दब जाते हैं, कहीं ऊपर नीचे चढ़ जाते हैं, सारी नसों की 33 के 33 जो वर्टिब्राज है, मणका है, वो सेट हो जाते हैं। जो आज पूरा योगाभ्यास का पैकेज बताया, यदि अभी नहीं देख पाए तो वो फेसबुक पर यूट्यूब पर जाकर के कभी भी देख सकते हैं, और आज तक के 1000 से ज़्यादा वीडियो और उनके छोटे छोटे कुछ खास वीडियोज भी उपचार के, मुझे लगता है 4-5 हज़ार वीडियो तो अभी के ही, और इससे पहले भी मैंने इंडिया टीवी पर योग सिखाया था, आज से करीब 18-20 साल पहले भी, तो ये सारे वीडियोज मिलेंगे आपको इंडिया टीवी पर, उस पर भी देख लें। तो ये सारे वीडियोज देखें और दूध में थोड़ा हल्दी शिलाजीत ले लें, अश्वगंधा ले लें, आज बताने वाले हैं, खाली पेट पीड़ा नील खाने के बाद ऑर्थोग्रिट ले लें,
पूरी रीढ़ की हड्डी के 33 की 33 वर्टीब्राज कहीं से भी दबे होंगे, ऊपर नीचे चढ़े होंगे, घिसे होंगे, सब रिपेयर हो जाएंगे मेरे भाई। तो स्वामी जी, अब शो के अगले पड़ाव पर चलते हैं। स्पॉन्डिलाइटिस के साथ तमाम स्पाइन प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए आज आप कौन सी चमत्कारी जड़ी बूटी बताने वाले हैं, आप इसके बारे में तैयारी करें। तो देखो, एक तो हमने ये एलोवेरा डाल दिया, ये एलोवेरा और गिलोय, इसके छोटे छोटे पीस करके और हमने इसका जूस निकाल लिया। ये जूस बड़ा ज़बरदस्त होता है एलोवेरा और गिलोय का, मैं रोज़ पीता हूँ ये, और ये हेल्थ के लिए रामबाण है। किसी को थोड़ा कड़वा लगता हो तो इसी में थोड़ा हनी भी मिला करके पी सकते हैं। तो एक तो आज की रेसिपी है एलोवेरा, इसको थोड़ा ज़्यादा देर घुमा देते हैं फिर ये लिसलिसा भी नहीं रहता, हमें ज़्यादा खटपट ना हो इसलिए थोड़ा ही घुमाया है। फिर ये दूध के अंदर हल्दी और केसर आदि तो हमने बहुत बताया, दूध में अश्वगंधा 2-3 ग्राम अश्वगंधा एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त है, और दूध में ये अश्वगंधा डालें, दूध में अश्वगंधा, और इसमें थोड़ा शतावर और डाल दिया तो माता बहनों के लिए शतावर और बाकी सफ़ेद मूसली, ये सबसे बड़े टॉनिक होते हैं, ये अश्वगंधा शतावर ये दोनों चीज़ डाल देते हैं ना दूध में तो फिर कमाल का होता है। और इसमें डाल करके फिर यदि ज़्यादा ही हड्डियाँ कमज़ोर है ना, तो ये शिलाजीत हड्डियों की मजबूती के लिए, कुछ लोग सोचते हैं कि सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के लिए है, कुछ लोग सोचते हैं अस्थमा के लिए है, इसके मात्र 2-3 बूंदी डाल दिए इसके, तो ये बड़ी ज़बरदस्त होती है और इससे हड्डियाँ फौलादी बन जाती है। तो ये जो खाएँगे और पिएंगे आनंद मनाएंगे, अंकुरित मेथी भी बहुत अच्छी होती है। ये एलोवेरा और गिलोय हमने सबको इसलिए उपलब्ध करा दिया, लोगों को मिलते नहीं है, तो गिलोय घनवटी एडवांस इसमें सब कुछ है। तो आज इतना ही बताइए, अश्वगंधा के जो पत्ते ये वेट घटाते और इसका जो रूट हड्डियों को मजबूत बनाता है। तो आज की रेसिपी इतनी ही, कल सबको बजरंगबली बनाएंगे और हनुमान चालीसा के साथ योग कराएंगे। बोले पवन सुत हनुमान की जय। हनुमान जी हमारे बल के देवता है, राम जी हमारे मर्यादा के, और भगवान कृष्ण जी कर्म के देवता है हमारे, शिव तो समाधि के देवता। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी।